कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सुर्खियां लगातार बटोरता ही जा रहा है। हर बार शो में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है, तो वहीं इस बार के वीकेंड के वार में देखने को मिला सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच का जबरदस्त झगड़ा। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बुरी तरीके से लड़ते हुए नजर आए। ऐसे में वीकेंड का वार था और सलमान खान के सामने भी ये दोनों काफी लड़ते झगड़ते हुए नजर आए। वही शो की टीआरपी काफी हाईलाइट होती जा रही है, शो की टीआरपी बढ़ती जा रही है। ऐसे में रश्मि देसाई को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरीके के अपने रिव्यूज दे रहे हैं। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर भी कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। ऐसे में फैंस कहीं सिद्धार्थ शुक्ला की साइड ले रहे हैं तो कहीं रश्मि देसाई की। बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज भी बढ़ चुके हैं, कोई रश्मि की साइड में है तो कोई सिद्धार्थ शुक्ला की साइड में। सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग सिद्धा ट्रेंड चलने लगा है। ऐसे में अगर बात की जाए रश्मि देसाई के भाई की, तो हाल ही में उनके सगे भाई शो में आए थे और उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीते दिनों ये भी खबर आई थी कि फिर से रश्मि देसाई के भाई, लेकिन ये उनके राखी भाई हैं। बता दें आपको कि उनके राखी भाई मृणाल जैन शो में जाना चाहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। जानकारी के लिए दर्शकों आपको बता दें कि मृणाल जैन जो कि टीवी इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर है, तो वहीं वो रश्मि देसाई को शो में समझाने के लिए जाना चाहते हैं। बीते दिनों उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात के लिए कहा था, लेकिन अब फिर से मृणाल जैन ने रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की फाइट को लेकर अपने इंटरव्यूज में कई सारी ऐसी बातें कही हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं मृणाल जैन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें वो अरहान और रश्मि के रिश्ते को लेकर बोलते हुए नजर आए हैं, तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई की फाइट को लेकर भी बोलते आए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, मृणाल जैन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एंड ऑफ कोर्स नॉट क्विट टेलीविजन बिकॉज आई फील माय रिकॉग्निशन इज बिकॉज ऑफ टेलीविजन एंड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इट आई एम हियर बिकॉज ऑफ द टीवी एंड आई ऑफ कोर्स एवरी एक्टर एस्पायर्स टू टेक द नेक्स्ट स्टेप सो बॉलीवुड इज द नेक्स्ट स्टेप एंड होपिंग दैट How things have surprised me in 2019, 2020 brings a lot of surprises. Any besides this, any project you are in? Not yet, but I'm in talks with a lot of projects, including a OTT platform. So hoping that something great works out and I can reveal it out to my fans very soon. Okay, so talking about Big Boss, you know, the things, the chaos which has been happening in Rashmi's life inside the house, you know, about Arhan. How much do you know and how much is the fact that Arhan, whatever he is doing and jo bhi unke bhai ne bola hai, how much is that true? See, talking straight to the point, I only knew that Arhan and Rashmi are good friends from Rashmi herself. I have always known that they share a good rapport. That's it. These three things which I knew, I just said, whatever has come out on screen in front on the national television has been a shocker for me also, and I've been zapped hearing it. So talking more about Arhan is better than I talk more about my sister right now, who's in a situation over there, and I don't know what she's going through, what she's facing right now inside the house. She doesn't know what people are perceiving her or seeing this from outside the house and what she's thinking inside the house. So right now my bigger concern will be talking to my sister rather than commenting or talking about an ex-person. But when Arhan went inside the house again, he was supposed to get married to, you know, he planned some kind of marriage in his mind and he went inside the house and he wanted to get married to Rashmi. But you know, after his brother went inside and he told her that no, don't think about it. But even after Salman Khan saying Rashmi to be aware, Rashmi somewhere or the other is on a same track with Arhan. What's the reason behind that, do you feel? I genuinely don't know, and I would want to know it from Rashmi, that after Gaurav explaining her, she's still not, is what I got to know, that she's still on the same path. I would want to talk to Rashmi once and I would want to understand that what
what's in her mind, what's in her heart regarding Aran, regarding the show, regarding her life, regarding Siddharth, whatever is happening in the house. I would want to know that from her. I need 5 minutes with Rashmi alone, if I can get a chance to talk to her. And Rashmi is totally different. What we know Rashmi, she is totally different inside. The things are happening with Siddharth also. So what do you want to say on the relationship of Siddharth and Rashmi? Regarding relationship of Siddharth and Rashmi, I only knew that they are good co-actors and they share a professional co-actor relationship on set of the show which they did. There is nothing more than that, because I already had spoken to Rashmi about it and I had said that there are news coming up between them. She said that it's because of the co-actor thing and sharing the same screen space and playing husband-wife. And because their chemistry was seen on screen, people assumed and thought and commented that they might be having more than that. So that's all about it. And then after that day, we have not spoken on it. And I think so, there is some rumors are baseless, and I think so, we should not focus on that. And Siddharth ne jo unko kaha tha that, you know, tere jaise ladki ko main ghar mein aane nahi. I am completely against that, what he said. I am completely, and nobody has given him a right to speak to anybody like that, because he should have that much sensibility that he is speaking it on national television and he is raising a finger at a girl's character and a girl's persona who's been followed and whom a lot of people think she is an idol for them. So without thinking about where a person is standing and just speaking out doesn't make sense for me. But also Siddharth, this statement that she is playing a woman card, how much do you agree? I've said this previously also, and I say it again and again, what is this woman card? I don't understand. Is it like some credit card that a girl plays and she gets a credit? So a girl cries, a girl speaks out a heart, and if that is a woman card, then I'm afraid that any human is not allowed to express in Big Boss house, or any man is not allowed to speak and express their thoughts in the Big Boss house. Then there should be a man card also. Why it's only a woman card? लेकिन यू नो रश्मि वाज एक्सपेक्टिंग वेरिंग आरती उनका साथ देगी, जहाँ पर वो उनको बेस्ट फ्रेंड मानती थी, पर आरती ने उनका साथ नहीं दिया. और कल हुए झगड़े में आरती ने ये कहा कि मैं नेशनल टेलीविजन पर ये सारी बातें नहीं करना चाहती, मैं बाहर जाके इस सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी. डू यू थिंक आरती को वहाँ पर रश्मि का साथ देना चाहिए था? आई जनरली हैव नॉट सीन द एपिसोड, बट इफ आरती हैज डन दैट, आरती मस्ट हैव थॉट अबाउट हर रिलेशनशिप विद सिद्धार्थ एंड Rashmi both, and that's why they have she must have taken that stand that she didn't want to spoil the relationship with Aarti also and Siddharth also. So somewhere down the line, I feel that it had a sensible decision of not going left and not going right and just balancing it. That's why she must have not spoken about it. Rashmi bahut hi short tempered nazar aa rahi hai show mein, you know, jahan pe unko choti choti baaton mein bahut zyada gussa aa jata hai. Is she the way she is? She is not short tempered, but situations like that, and you're in the house from last 4 weeks, I think. So now it's been almost 12 weeks. You're reaching close to 12 weeks. So that irritation of inside being a one-to-one closure, and people trying to poke you, people trying to irritate you, people trying to get you frustrated, has made her short tempered. But Rashmi is actually not a short-tempered girl. Okay, so if you get a chance to get inside the house and talk to Rashmi and give some advice, what are the advice? There is no advice. There is only one suggestion, that just play the game the way you want to play. Just keep that dignity, self-respect, and fight for the right and stand against the wrong. That's it. That is going to be seen on screen, and that is what your fans are seeing. And that is what is going to give you a lot of support. Last message for Rashmi fans. This is a big appeal to all the Rashmi fans, that please support your favorite Rashmi. And she is there battling it out. And I would like to appeal to everyone that just support Rashmi. And let's get her that smile on her face. And let her know that everyone out there is waiting for her to win. Thank you so much. Thank you so much. सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारी रिपोर्ट में मृणाल जैन यहाँ पर इंटरव्यू में रश्मि और सिद्धार्थ के बारे में बोलते हुए नजर आए.
यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि वो शो में जाना चाहते हैं और रश्मि देसाई से करीब 5 मिनट बातें करना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की है कि रश्मि देसाई के फैंस लगातार उनके लिए वोट्स करें। ऐसे में रश्मि देसाई को शो में काफी पसंद भी किया जा रहा है। तो वहीं इन दोनों के लड़ाई झगड़े की वजह से शो की टीआरपी हाई भी होती जा रही है। बिग बॉस के फैंस इस बार भी बिग बॉस को पसंद कर रहे हैं, तो कहीं फैंस भड़ास भी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं बिग बॉस को लेकर, बिग बॉस की इन कंटेस्टेंट को लेकर? आपका फेवरेट सदस्य कौन है, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।